सभी को अस्सलाम वालेकुम, केम छो, सत श्री अकाल, नमस्ते। अभी हम एक ही नागा नागालैंड से बोल रहे हैं। हम एक मैसेज बोलना है हमारा भारत जनता लोग को। हम लोग का भी नागा आदमी और नोटिस वालों कितना भी हो बाहर में है, मगर उधर अभी जो बीमार फैल रहे हैं वे इसके लिए भी हम लोग का नोटिस का लड़का लड़की लोग भाइयों बहनों लोग को बहुत मुसीबत में पड़ गया है। तो हमारा इच्छा है कि हम लोग का भारत जनता लोग प्रिपेयर करेंगे, हम लोग का भाई और बहनों जो भी उधर है उन लोग को अच्छा से सेवा करो, अच्छा से देखभाल करो। अभी इस समय जो है हम लोग पूरा मिलजुल के जो भी सरकार ने करने को बोल रहे हैं, घर का अंदर में बैठने को बोल रहे हैं और क्वारंटाइन सेल्फ क्वारंटाइन करने के लिए बोल रहे हैं, वैसे ही करना है। इसलिए हम लोग का नोटिस का भाइयों बहनों जो भी उधर किराए का आप लोग का किराए का घर में बैठा है उन लोगों को कृपया करके रहने को जगह दो और अच्छा से आराम से इस वक्त इस बुरी वक्त को गुजरने को दो, वही हमारा इच्छा है। और जैसे कि अभी हम क्यों हिंदी बोल रहे हैं, हम भी हिंदुस्तानी हैं, इसलिए मेरा आँखें तो चीनी है मगर फिर भी हम भी हिंदुस्तानी हैं, इसलिए हम भी हिंदी बोल रहे हैं। इसलिए आप लोग भी सोचो समझो और हम लोग को एक्सेप्ट करने के लिए वही कोशिश करो। और मेरा एक दरख्वास्त है, आप लोग इस क्वारंटाइन का समय में कृपया करेंगे गूगल में सर्च करो नागालैंड कहाँ है, मेघालय कहाँ है, सिक्किम कहाँ है, असम कहाँ है, मणिपुर कहाँ है, सर्च करो चिकन स्नेक। अगर बात की बात आप लोग ने हम लोग को पहचानने के लिए इनकार किया और ऐसा हम लोग को बहुत दिक्कत देगा तो फ्यूचर में बात की बात चिकन स्नेक से लेके इधर हम लोग का अलग हो जाएगा तो मुसीबत पड़ जाएगा, तो हम लोग नेशनल डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा। हम लोग का जो भारत का इंटीग्रेशन है ना, मिल मिलाप है ना, वो बहुत दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये रेसिस जो है बहुत जहरीली है, इसलिए रेसिस को ख़त्म करो और बंद करो। हम लोग सब मिलजुल के एक साथ रहना है और भारत को आगे ले जाना है, इसलिए वही हमारा इच्छा है। गीत भी एक गीत है, हम सब भारतीय है, हम सब भारतीय है कि नहीं, इसलिए वो गानों को याद में रखने को और हम लोग को चीनी हकन कोरोना नहीं बोलाने को। हम लोग भी नागा है, भारतीय है और मिलजुल के रहना है। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एकदम क्लियर से लिखा है कि क्या लिखा है, यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसलिए उसको भी थोड़ा इज्जत करो। हम लोग का कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल जो भी है उसको थोड़ा इज्जत करने के लिए सीखो। और हमारा जो भी भाइयों बहनों उधर है, दिल्ली में है, मुंबई में है, बेंगलोर में है, कोलकाता में है, कहीं भी हो अच्छे से सेवा करो, नहीं तो हम लोग बहुत बुरा लगता है। आप लोग हम लोग के साथ थूक देगा, कोरोना बोलाएगा, हागा बोलाएगा, चीनी बोलाएगा, बहुत बुरा लगता है। इसलिए ऐसा मत करो। और आप लोग सच्ची हिंदुस्तानी है तो सच्ची हिंदुस्तानी का हिसाब से हम लोग को भी हिंदुस्तानी है बोल के एक्सेप्ट करो और मिलजुल के रहेगा। और अभी हालत जो है बहुत बिगड़ा है, जो बीमारी फैला है, इसलिए सब घर के अंदर में रहना। जय हिंद।